चुनावी सफ़रनामा जारी है और चुनाव की प्रचार चर्चाएँ धीरे 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 उस अपने मुकाम तक पहुंच रही हैं जहां पर सरकार बनने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। आज हम छीमक गांव का ये रफी चाहूँगा सैंतौल गांव है, वहां से गुजर रहे थे तो ये सैंतौल गांव के एक चौपाल पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, गाँव के ही निवासी हैं। आज हम इनसे चर्चा करते हैं चुनावी परिचर्चा में क्या परिदृश्य है और क्या मुद्दा है और किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है सर? रमेश कुशवाहा। रमेश कुशवाहा जी, क्या कर रहे हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं? बैठे हैं बस, चुनावी माहौल है। डबरा विधानसभा का ये क्षेत्र है, इसमें आपके सामने दो मुख्य प्रत्याशी हैं, तीसरा भी है, बीएसपी का भी रहेगा और मैं समझता हूँ चौथा आम आदमी पार्टी का रहेगा। जो भिड़ंत जो लड़ाई है वो दो लोगों में, क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर के वोट करेंगे आप? हम एक तो बेरोजगारी, एक किसानों का मुद्दा, एक ऐसे हम लोगों को पहले जो किसानों को कहा कि किसानों को कर्जा माफ़ करेंगे तो कर्जा की बात थी कि 15 महीने सरकार रही किसकी? कांग्रेस की। कांग्रेस की 15 महीने तक उसने 1 लाख तक का कर्जा माफ़ किया तो तक उसकी सरकार गिर गई। सरकार गिरने के बाद सिंधिया जी चले गए वहाँ 23 विधायक लेके, तो फिर सिंधिया जी उसमें चले गए तो सिंधिया जी भाजपा पे कर्जा माफ करा देते हमारा। मतलब इनका सीधा मुद्दा है हमें सरकार किसी की भी हो, हमें अपने जो शासन से मिलने वाली सुविधाएं वो मिलनी चाहिए, किसान का कर्जा माफ होना चाहिए। लेकिन 1.5 साल का समय अवधि होने के कारण कांग्रेस की सरकार चलेगी, इनका सीधा सा प्रश्न सिंधिया जी से है। ये कह रहे हैं कि सिंधिया जी को कर्जा माफ़ करना चाहिए, अब क्या करेंगे आप? अब क्या है, अब उनने 100 घाटें दी हैं कांग्रेस ने, तो उस पर भरोसा करेंगे क्योंकि पहला भरोसा है हमको। आपका भरोसा कांग्रेस की तरफ है, आप कांग्रेस से भरोसा जिताएंगे? बिल्कुल कांग्रेस। पूछते हैं हम भैया क्या कहेंगे सर, क्या स्थिति है? नहीं, कांग्रेस आएगी डबरा में। डबरा में और मध्य प्रदेश में? ना, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस आएगी। क्या मुद्दे रहेंगे? बेरोजगारी, बेरोजगारी, किसान का मुद्दा, और जो इन मुद्दों को लेकर के आप वोट करेंगे? हाँ, मतलब ये जो सरकार आएगी वो बेरोजगारी हटाएगी और किसानों को कर्जा माफ करेगी? माफ करेगी किसानों के लिए, डीजल, खाद, बीज, सब चीज़ों में राहत देगी। कांग्रेस की तरफ इशारा कर रहे हैं भैया, देखिए और भी बहुत लोग हैं। हाँ सर, क्या मुद्दे हैं सर? वहाँ कांग्रेस की तरफ है, सभी लोग मन बनाकर बैठे हुए हैं? नहीं, कांग्रेस को पक्का। हाँ, मतलब मेरा मतलब सभी लोग मन बना के बैठे हुए हैं। हाँ, तो बीजेपी सरकार में आपको लाडली बहना योजना वाला काम दे रही है, आपकी धर्मपत्नियों को, आपकी बेटियों को, आपकी बहुओं को 1,000 रुपये से लेकर के 1,250 और 3,000 रुपये तक दे रही है। किसान के लिए बहुत सारे जो राशि आती है 4 महीने में एक बार 2,000-5,000 वो दे रही है, वृद्ध पेंशन दे रही है, आवास दे रही है, इसके बारे में कुछ नहीं सोचेंगे? देवे करे तो भी हम तो कांग्रेस की तरफ जाएंगे। अच्छा, रुष्ट हो गए हैं आप उनसे? रुष्ट क्यों क्यों क्योंकि वे लोग मतलब हम कांग्रेस की तरफ मैं फिर भी जैसे आप जैसे मुझे जैसे मैं कहता हूँ फलाना आदमी मुझे पसंद है, फलाना भाई अच्छा लगता है, तो कारण होता है उसका, क्यों पसंद है? पसंद यही है कि हमने तो वही हिसाब से काम कर रहे हैं कि मतलब दादा का तात्पर्य यही है कि कुछ भी हो हम तो वोट कांग्रेस को देंगे। दद्दू बैठे हुए हैं, कि क्या नाम है दद्दू आपका? मेरा पातिराम है। पातिराम दादा बैठे हुए हैं, कितनी उम्र है आपकी? मेरी होगी 80 के आसपास। वाह, वेरी गुड, 80 साल के बहुत फिट हैं। देखो दादा को दिखाओ, दादा एकदम फिट हैं, सोने की बाली पहने हुए हैं और एकदम फिट हैं दादा। क्या किसको वोट करेंगे दादा? हमारे तो कांग्रेस में जाएंगे सर, ये चाहता है पूछ ली। कमल को नहीं करेंगे? कहा मैं नहीं जानता कमल कहा हो तो। कमल मतलब फूल। अच्छा, हाँ कमल बीजेपी, बीजेपी जनता पार्टी। हाँ जनता पार्टी। हमारी आपको पेंशन दे रही होंगी? नहीं मिल रही। आपकी बच्चियों को, आपकी बेटियों को, आपकी बहुओं को, पत्नियों को कुछ पैसे मिल रहे होंगे? ये पता नहीं है भैया, अब बताते नहीं है वो लोग आपके। आई नहीं है, बताते कहाँ से? तो दादा को कुछ पता नहीं है ना, वो उनको पता है। और पीछे बैठे दादा, आ जाइए जरा थोड़ा सा। अरे आ जाओ आ जाओ, अरे अरे आ जाओ यार। क्या नाम है दादा आपका? अरिनाम। अरिनाम साहब, क्या स्थिति है अभी जो चुनाव चल रहा है उसमें क्या मन है आपका? भाई कांग्रेस में जाएंगे।
बिल्कुल इमरती देवी को नहीं करेंगे? नहीं कुछ नहीं, बहुत काम किया इमरती देवी ने, अरे बाना फुल बांध दे जब बहुत जाना। अच्छा पानी चल रहा है देखे पुट्टी था ना भैया पान पान नहीं पा। अच्छा गए हम बाप की फुले बोतल से जीतेगी। अच्छा ओ बेटा जीतेगी तो मैं दिया रंग मौके पे कहूँ जीता दिखा दी तो आधे वोट दे देंगे आप। हाँ आधे जीता दिखा दी तो अच्छा जीता दिखागी तो दे देंगे। समझ मुश्किल है, बहुत अच्छी महिलाएं हैं, बहुत बढ़िया, दुनिया दुनिया का भला करती हैं, आप सोचते नहीं हैं? हाँ सगरे बस वो जीते जीते बोलो, मैं नहीं बोल पाता, बजा कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। दादा आप बताएं कुछ चुनावी मुद्दे पर कुछ बोलिए। अब कांग्रेस को जाएंगे अपने तो सब कांग्रेस ही कर रही है। अच्छा पूरा मन बना के बैठे हुए हैं? पूरा मन बना। इमरती देवी बहुत सारा काम कर रही है, मंत्री रही है, बहुत सारे काम किए। वो आती ही ना नहीं हटेंगे, आएगी तो देते एक आध वोट। अच्छा जब आती ना नहीं है तो किसको दे? आपके गांव में घूमने नहीं आती है? नहीं बिल्कुल नहीं आती। वो विकास के तौर पर जैसे महिलाओं को पैसे देती हैं और आपके आवास बना रहे हैं और बहुत सारे बच्चों को रोजगार दे रहे हैं? कुछ नहीं रोजगार दिया उसने आज तक, कोई बात वही नहीं करा काम, कोई एक हेडपम्प तक नहीं लगा पाई पानी। भारतीय जनता पार्टी बहुत सारे जैसे लाडली बहना जो योजना है वो भी उसमें काम कर रही है, आपकी बहुओं को आपकी बेटियों को जो 22 साल से 23 साल से ऊपर की उम्र की जो महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये से लेकर के 3,000 रुपये मिलने वाले हैं, उसके बारे में तो सोचिए कुछ। वो नहीं मिल पा रहे, फार्म ही नहीं भरे तो बहुत सारे लोगों को दे रहे हैं, जाते हैं तो लौटा देते हैं, पर तुम्हारा उम्र निकल गई। क्या क्या कह रहे हैं भाई साहब? जैसे सर बनने 18 साल शासन कर लो। हाँ शिवराज जी ने। हाँ जब जब से अपनी बहनों की लाडली बच्चियों की याद नहीं आई। अब वो इसलिए नहीं आए, धीरे धीरे जैसे एक काम करते हैं, पर जैसे मान लो मकान बनता है तो पहले किवाड़ लगवाते हैं, फिर खिड़की लगवाते हैं, फिर प्लास्टर करवाते हैं, धीरे धीरे होता है ना भाई साहब। ठीक है साहब, मैंने लाडली बहना आवास निकाल दिया, मानते हैं अच्छी बात है। हमारे यहाँ पे हमारी पंचायत में आवास अभी 3 साल से, जब हमारा पहला वर्तमान सरपंच पहले सरपंच था, 3 साल से आवास होगी अभी आधी आधी किस्त लटकी हुई है। अच्छा मतलब आवास की 3 साल हो गए लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है? नहीं कोई पूरा नहीं हुआ ना कोई नई लिस्ट में 5 नाम आए भी थे, बेबी आज तक 2-2.5 साल से पंचायत भवन में लगी हुई है। तो इमरती देवी जी इतने प्रभावशाली नेता है और बढ़िया काम कर रहे हैं फिर भी आप उनको नहीं चाह रहे हैं? नहीं हम उनको चाह रहे हैं, अच्छी बात है, वो प्रभावशाली है, अच्छी थी हमारी विधानसभा में, अच्छा काम किया उन्होंने 2 बार। तीसरी बार जब हमने उनको जिताया था तो उन्होंने वादे भी किए थे, सब बातें की थी, लेकिन उन्होंने हमारे वोट लेके अपनी कीमत लगा के वो बीजेपी में चली गई। अच्छा ये सीधा सीधा भैया सवाल ये है कि हमारी बनाई हुई विधायक, कांग्रेस की विधायक बनाई हुई थी, बीजेपी में वोट लेके बिक क्यों गई? सीधे ऐसे कह रहे हैं क्या? हमारा वोट है। अच्छा हमने आपको बनाया, बिकने लायक हमने बनाया, वो बन गई, आज तो उनको कोई खरीद ले। सही है सही है, खरीदेगा क्या नहीं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। फिर उनको या तो हम जो वोटर थे उनकी जनता थी प्रजा थी उनको पूछते, उनसे बात करते। उनका इनका भैया का कहना है कि यदि बिकना था तो हमसे तो पूछते, हमने वोट दिए थे, हमने जिताया था और हमने उनको इस लायक बनाया था। सीधा सीधा सवाल यही है इनका कि यदि हमने विधायक को बनाया तो हमारे लिए कुछ करना चाहिए था और हमसे परमिशन लेते, क्योंकि जब चुनाव में आते हैं तो पैर चीते हैं, नमस्कार करते हैं और वोट मांगने की गुहार करते हैं, सीधा सीधा सवाल होता है, इसलिए रुष्ट हैं। एक लास्ट में पूछेंगे, दादा बैठे हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? साहब कांग्रेस में अच्छा इमरती देवी जी भी तो थोड़ा प्रयास कर रही हैं, प्रयास करेंगे तो पूरी जनता बेच दी साहब। अच्छा कहे 35 करोड़ रुपये दल ले वाने। तो 35 करोड़ कौन से गिनने गए थे आप? 35 करोड़ ले वाने कांग्रेस पार्टी के छोड़कर जनता पार्टी में पहुंच गए। अरे 35 नहीं ले, 2-1 करोड़ लिए होंगे। अरे 35 करोड़ ले वाने पूरे 35। अब वो तो हमने पूछा था, बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं लिया। अरे कैसे नहीं लाओ, जनता पूरी बेच दी साहब। अच्छा हाँ पूरी जनता बेच। तो आपने पहले उनको जिताया? जिताया पूरी जिताया, 10 साल जिताया, 15 साल। अच्छा इसलिए आप रुष्ट हैं, मतलब वो बिक गई इसलिए रुष्ट हैं? हाँ जनता कांग्रेस पार्टी छोड़कर जनता में, मतलब आपका भरोसा टूट गया, दिल टूट गया आपका, आपने पूरे प्यार से और स्नेह से सम्मान से जिताया था हमारे मंदिर के लिए, वे बाकी कह गई थी फर्श की एक की, तो आज तक ना फर्श नहीं दो, सुरेश राजा ने गेट गेट लगवा दो, गेट के क्या फर्श बजा दी। ओहो भैया सीधा सा सवाल है, उनका कोई दिक्कत नहीं, उनको उनको जिताना उनको ही था, लेकिन धोखा करके गई है, धोखे किए हुए प्रत्याशी को नहीं जिताएंगे। इस गांव कौन सा गांव बताया दादा? सैतौल गांव के मंच पर बैठा हुआ हूं, ये चौपाल है, सीधा सीधा सवाल है यहां के निवासियों का कि धोखेबाज व्यक्ति को दोबारा नहीं आने देंगे, सिर्फ यही सवाल है, इसी से परेशानी है और यही चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र सिंह, आप देख रहे हैं इंडिया रिपोर्टर 24। कैसी हमारी लोगों की आप तक आवाज़ आई है,
शेयर करके बताइए, कमेंट करके बताइए। जय हिंद, धन्यवाद।